अब बात करेंगे इंतजार की। प्रदेश की सियासी पार्टियां कुछ स्लो नजर आती है। आज लगा कि लोकसभा प्रत्याशियों के ऐलान के लिए अभी पार्टियां ठहर चुकी है। आज लगा कि फरवरी के आखिरी तक नामों का ऐलान करने का दावा करने वाली पार्टियां अभी और वक्त लेंगी। आज लगा कि अभी और इंतजार है, लेकिन किस बात का इंतजार है आज की खबर में बात अब इस पर होगी। जी, माना यही जा रहा है कि 5 तारीख को जब चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान कर देगा तो बीजेपी और कांग्रेस अपने पत्ते खोलेंगी। क्या पार्टियां इस बात की राह देख रही है कि राजस्थान में किस चरण में चुनाव हो ताकि उनके मुताबिक टिकटों का ऐलान किया जा सके। जहां पहले चुनाव हो फोकस वहां हो या फिर बात कुछ और है। चलिए पहले से समझते हैं। देश को देखकर लगता है कि चुनाव आ गए हैं। मोदी रोजाना सभाएं कर रहे हैं, राहुल हर हफ्ते रोड शो करते हैं और थर्ड फ्रंट के इर्द गिर्द बाकी की पार्टियां भी अपनी कसरत में लगी हैं। इस बीच राजस्थान में आम आदमी पार्टी ने 3 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया, तो रेफरेंडम के बाद कांग्रेस की ओर से भी 2 सीटों पर प्रत्याशी तय माने जा रहे हैं। लेकिन असली इंतजार बाकी है। जिस तरह से राहुल गांधी ने दावा किया था कि कांग्रेस फरवरी के आखिर तक प्रत्याशियों के नामों का खुलासा कर देगी, ऐसा नहीं हुआ। नहीं, वसुंधरा राजे की ओर से सबसे पहले प्रत्याशियों ने नाम क्लियर करने का वादा पूरा होता दिख रहा है। दोनों ही पार्टियां सुबह से शाम तक, दिल्ली से लेकर जयपुर तक चर्चा में जुटी है। यही सवाल है कि इतना वक्त, इतनी लंबी कवायद और महीनों के फीडबैक के बाद ऐसा क्या रह गया जिस पर बातचीत अभी बाकी है। कहीं कोई डर तो मन में नहीं है, या ये इंतजार किया जा रहा है कि पहले पत्ते कौन खोलता है ताकि दूसरे को मौका मिल जाए और सियासी जोड़ तोड़ के बाद फिर वो दल अपने प्रत्याशी को ला सके। कहीं कांग्रेस को ये डर तो नहीं कि विधानसभा चुनाव की तरह इस बार भी टिकट वितरण में गलती हुई तो करारी शिकस्त मिलेगी और इस बार खोने को ज्यादा कुछ वैसे भी नहीं बचा है। कहीं बीजेपी को ये चिंता तो नहीं है कि टारगेट 25 में 1 से 2 सीट तक तो कम हो सकती है, लेकिन देश भर में मोदी की लहर और विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत का फायदा पार्टी यहाँ नहीं उठा पा रही है। ऐसे कई सवाल हो सकते हैं जो इस वक्त राहुल गांधी से लेकर सचिन पायलट